दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों आपने जब सुना होगा ये लाइन जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये आपने बहुत पहले सुन ली होगी कि जहाँ पर फिनिश होता है वहाँ पर कमांडो का स्टार्ट होता है। तो आज इस लाइन के बारे में जो क्या क्या होता है वो मैं आप सभी को इस वीडियो के द्वारा बताऊँगा कि किस प्रकार एक फौजी आज भी कम से कम कठिन से कठिन परिस्थितियों में कैसे पार करता है इन रस्सों से। लोगों को पूरी जो BOC कैसी होती है आपकी ट्रेनिंग में, किस प्रकार आपके हाथों में जान बनाते हैं ट्रेनिंग में और क्या क्या जरूरी है। नीचे आपको अगर रस्से से भाई का हाथ नीचे गया तो उसका मतलब है नीचे गया, और एक बार लग गई मुंह पे मुंह बिगड़ जाएगा। तो डर के चीज करनी कितनी मुश्किल होती है, क्योंकि अगर प्लेन जमीन हो अगर आपका हाथ छूट गया आपको लगेगी नहीं, लेकिन नीचे गड्ढे में, अभी इस गड्ढे में पानी नहीं है, नहीं तो इस गड्ढे में पानी भी रहता है, अगर पानी रहता है तो सीधे नीचे पानी के अंदर दोस्तों। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार करते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिए। आज आप में इस वीडियो में आपको टोटल एक्सरसाइज ट्रेनिंग के दौरान आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज कराते हैं ट्रेनिंग में, आर्मी की, BSF, CRPF या सभी अर्धसैनिक बलों की ट्रेनिंग में आपको कौन कौन से हार्ड, जो सबसे हार्ड ट्रेनिंग का होता है वो मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो वीडियो एंड तक जरूर बनिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि आगे मैं इससे अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहूँ। तो जय हिंद दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों किस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले ये हाथ ऊपर वाला ज़्यादा से ज़्यादा जितना ऊपर ले सकते हो उतना ऊपर ले लो, फिर दूसरे हाथ को उसके ऊपर, अगर ज़्यादा लंबाई दूरी पे जाना तो जंप करके ऊपर पकड़ना है, लेकिन ये ज़्यादा लंबाई नहीं है, 15 फुट ही है, 15 से 16 फुट ही है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जाना है तो उसको जंप करके ऊपर से पकड़ सकते हैं। तो चलो करके दिखाएगा पहले मेरा भाई ज्योति प्रकाश, उसके बाद करता हूँ मैं। ओके ज्योति, रेडी गो कमांडो। तो अब देखो दोस्तों ये कम दूरी के लिए, अगर ज़्यादा दूरी के लिए करना है तो इस प्रकार आप कमांडो इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हो। अब एक बार और करके दिखाता हूँ और ज़्यादा दूरी के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा दूरी के लिए भी कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, नीचे से पकड़ के, अगर किसी की हाइट कम है तो नीचे से पकड़ के भी कर सकते हो दोस्तों इस प्रकार। ये कंट्रोल के लिए होता है दोस्तों, इस प्रकार से आपका कंट्रोल होता है, आपको कम से कम जगह में आपको करना होता है। तो दोस्तों आपके रस्से करने के बाद में, कंट्रोल करने के बाद में BOC का जो अगला स्टेप होता है होता है कंट्रोलिंग ट्रेंच। आप इस पे तार देख रहे हो दोस्तों, ये इतने नुकीले तार है कि अगर एक बार आपका चुभ गया तो वहाँ से चमड़ी छील देगा। ये हाइट इसलिए, इतनी हाइट नहीं होती है दोस्तों, इसकी हाइट इसलिए क्योंकि ये वेट के साथ होता है, पीछे आपके पीछे 10 से 12 kg का वेट होता है, ये कमांडो ट्रेनिंग के लिए स्पेशल। तो इसमें 10 से 12 केजी का जो पिट्टू होता है उसकी हाइट ज़्यादा होती है दोस्तों, और पिट्टू के साथ आपको वेपन के साथ करना पड़ता है दोस्तों। अब इसको आपको मेरा भाई छोटा जो ज्योति प्रकाश है, ओके एक बार करके दिखाएगा। ओके स्टार्ट। अभी उसके लिए आसानी इसलिए बन रही है, करने का तरीका ये है, अगर ऊपर 20 kg का पिट्ठू भी होगा तो भी भाई आसानी से कर देगा। आप देख रहे हो, एक बार रुको, वेट नीचे से दिखाओ एक बार अच्छे से। आप देखो दोस्तों, अब जितनी इसमें जगह है, एक बार नीचे दो गर्दन, नीचे कर लो पूरी गर्दन नीचे। इसके ऊपर आप देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट की जगह होगी, जबकि पिट्टू का वेट होता है वो 1 फुट के आसपास इतना हाइट होता है दोस्तों। पिट्टू के साथ में और हाथ में वेपन रहता है, वेपन के साथ कैसे करते हैं एक बार दिखाओ। इस प्रकार एक हाथ में आपका वेपन और दोनों हाथ में भी आप वेपन लेके ऐसे चल सकते हो दोस्तों। ये करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि ये बिना पिट्टू के किया अभी तो आसानी से कर दिया दोस्तों। चलिए आगे दोस्तों, और भी आपको एक्सरसाइज दिखाते हैं। तो दोस्तों अब अगली घड़ी में क्रॉलिंग ट्रेंच करने के बाद में ये आता है मंकी रोप। तो आपको इस पे सिंगल रस्से से ऊपर जाके दूसरी तरफ कैसे जाते हैं, ये होता है पहाड़ियों क्षेत्रों में जब आपको रास्ता नहीं मिलता या नीचे नाला चल रहा पानी का, तो उसमें जब कैसे जवान पार करते हैं, आपने कई ऐसे वीडियो देखे होंगे, लेकिन उसकी ट्रेनिंग यहीं से स्टार्ट होती है, बेसिक ट्रेनिंग है, इसको कैसे आसानी से करते हैं दोस्तों। तो पहले आपको ज्योति करके दिखाएगा और उसके बाद में मैं खुद करके दिखाऊंगा। ओके ज्योति स्टार्ट। तो दोस्तों इसके लिए आपके हाथों में जान होनी ज़रूरी है। इस प्रकार आप ऊपर जाओगे, किस प्रकार आप जंप करोगे देखो, कितने आसानी से भाई ये मंकी रोप इसलिए बोलते हैं क्योंकि मंकी की पोजीशन आ गई है। हाँ स्टार्ट। वहीं से ले लो, वहीं से। तो देखते रहो कितनी आसानी से भाई जा रहा है, बिल्कुल इस ऐसे जाते हैं, लेकिन नीचे पीछे वेट भी होता है दोस्तों। अभी इसमें वेट नहीं है, बिना वेट के करके दिखा रहे हैं, जबकि आप जब ट्रेनिंग करोगे तब आपको वेट नहीं रहेगा, लेकिन कमांडो ट्रेनिंग में वेट भी होता है दोस्तों। ओके ज्योति हो जा डाउन। तो
अब दोस्तों मैं खुद का तो दोस्तों अभी जोधी ने करके दिखाया, अपने आपको तो किया कैसे, आपको शुरुआत में क्या करना है, जब भी कभी आप कहीं पर भी यूज करते हैं उसका व्यवस्था कैसे चलते हैं वो आपको बताता हूँ। आपकी रखें आता है किसी ज़्यादा मुश्किल में किसी आएगा तो उसकी टच कर सकता है, पैर के रखें आता है जितना भी ज़्यादा हो सके उतना दूर चले ऐसे। अब आपके अगर पेट में जान होगी दोस्तों तो आप यहाँ से ऐसे आसानी से हो जाओ, वेट के साथ ऐसे कर पाना मुश्किल होता है। अगर आपके पेट में जान नहीं है तो आप ये नहीं कर पाओगे, अगर आपके पेट में जान है तो आप कितनी भी बार ऐसे हो जाओगे। अब इनको करने क्या है, ऐसे करते हैं जो हाथ आगे चल रहा है उस पैर को ऐसे आगे लाना इस पर का, आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय कर लेते हैं। इसको करने का तरीका है, अब आपके पेट में जाना है तो आप किसी समय अगर मान लो आपका पेट फिसल जाए कि आपका पेट फिसल गया मान लो दोस्तों, रस्सा करने के बाद में ये होता है जिगजैग बैलेंस कि आपका बैलेंस कितना है, आपके पैर में कंट्रोल कितना है। कई बार आपको नाले में हल्का सा पैर देके चलना होता है, कई ऐसी जगह होती है पहाड़ी पर चढ़ना उतरना होता है तो उसके लिए ये है जिगजैग बोलते हैं इसको, कैसे कंट्रोल करते हैं इसको ये आपको मैं स्लोली करके दिखा रहा हूँ, लेकिन रियल में ये बहुत ही फास्ट होता है, जितना आसानी से मैं कर रहा हूँ इतना आसानी से होता नहीं क्योंकि आपको टाइमिंग में करना होता है ये सब। तो नहीं इसके लिए आपको 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं मिलेगा, 2 सेकंड में इसको आपको क्रॉस करके ऐसे जंप करना है। तो दोस्तों आपने देखा होगा ये रास्ता, जब आप अभी हम पहले किए तो मंकी रोप आपको करके दिखाए थे कि मंकी रोप ऐसे होता है, आपको लग रहा होगा कि ये भी मंकी रोप है लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये है स्नेक रोप, मतलब सांप की तरह रस्से पे कैसे चलते हैं, मतलब सिंगल रस्से पे सांप की तरह लेट कर और कैसे चलते हैं दोस्तों। ये स्पेशली किस लिए किया जाता है कि आप आगे नज़र रखते हुए, मंकी रोप में क्या होता है कि आप ऊपर देखते हो आगे पीछे नहीं देखते, लेकिन इसमें आप आगे देखते हुए कैसे करते हो एक साइड से दूसरा। तो दोस्तों आपको दिखाता रहा हूँ मैं कि ऑप्टिकल हार्ड से हार्ड कौन सा होता है, उसमें ये ऑप्टिकल भी है, इसको बोलते हैं इन एंड आउट। इसमें 6 फीट से ज़्यादा हाइट है, आप देखिए भाई को नीचे से दिख नहीं रहा है, भाई की हाइट है 5.5 फीट से ऊपर लेकिन फिर भी नहीं दिख रहा है, 6 फीट की हाइट है। इसको कैसे करते हैं चलो करके दिखाओ जैसे एक बार उधर उस साइड में, ये कम हाइट वाला कैसे करते हैं फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा इसका सही तरीका। ये देखो बिल्कुल सही प्रकार से किया भाई ने, कोनिया बाहर रखे। अब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ उस समय कैसे करते हैं, देखो रनिंग के साथ ऐसे जंप करते हैं ऐसे ताकि, और जब यहाँ आते हैं तो वेट के साथ ये हाइट करना बहुत मुश्किल होता है इसलिए रनिंग के साथ इसको कैसे करते हैं देखो, इस प्रकार कोनिया रखनी है बहुत मजबूत। अब मेरा पूरा का पूरा शरीर ऊपर आ चुका है, आसानी से मैं पैर को इधर रख सकता हूँ। अगला पैर ऐसे रखना है ताकि उठने में सहूलियत रहे, हाथ ऐसे और सीधा दौड़ के निकल जाए।